सेना ने हिजबुल के आतंकी को किया गिरफ्तार, आतंकी से पूछताछ की जाएगी। इधर आतंकी के पास से हथियार बरामद, एनएफआर जोन के सीपीआरओ से घटनास्थल पर पहुंचकर जानकारी मिल रही है कि जायजा लिया जा रहा है, टीम और भी ज्यादा तैनात कर दी गई है, डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया गया है। अब पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भीषण ट्रेन हादसा, कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकराई मालगाड़ी, कई बोगियां हुई डिरेल। दार्जिलिंग ट्रेन हादसे में 8 लोगों की मौत की खबर, 25 से ज्यादा लोग बताए जा रहे घायल। जलपाईगुड़ी स्टेशन से सियालदह की ओर जा रही थी रेलगाड़ी। ट्रेन हादसे के बाद रेलवे ने किया जारी हेल्पलाइन नंबर 0332350879 और 0332383326 पर फोन कर ली जा सकती है अपनों की जानकारी। जब ये घटना घटी तब टाइम हो रहा था अप्रोक्स 8:35 मॉर्निंग। स्थिति अभी थोड़ा गंभीर है, ये आप देख रहे हैं कंचनजंगा एक्सप्रेस है, ये पीछे यहाँ पे खड़ा था और पीछे से एक मालगाड़ी आके उसको ठोक दिया। 3 बोगी अभी तक डिरेल्ड हुआ है। ट्रेन हादसा ऑपरेशन जिंदगी। नमस्कार, ल्यूमिनस स्टूडियो में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रगति और मेरे साथ है महिमा। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ, बड़ा अपडेट बता देते हैं। घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। तो रेल मंत्री रवाना हुए हैं घटनास्थल के लिए और बागडोगरा एयरपोर्ट जा रहे हैं, जहां पर बातचीत करेंगे अधिकारियों से। देखिए, एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है जहां मौत की भी खबर है। इससे पहले बालासोर में भी ऐसा ही एक हादसा हुआ था। पश्चिम बंगाल से एक खबर सामने आई जहां हादसे में कई लोगों की मौत की भी खबर है। करीब 9 बजे का यह हादसा बताया जा रहा है जहां एक मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी और हादसे में एक बड़ा हादसा हुआ। 3 डिब्बे बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए, डिरेल होने की भी खबर सामने आ रही है। बालासोर का भी ये तस्वीरें देखिए, भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस तरीके से जब ट्रेन आपस में टकरा जाती हैं, डिरेल हो जाती हैं, तो यहाँ पर एक हादसा हुआ है। तो दार्जिलिंग रेल हादसे से जुड़ी ये बड़ी घटना, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, आप सही कह रही, कंचनजंगा एक्सप्रेस पे खड़ी थी, पीछे से मालगाड़ी आई, टक्कर मारी और उसके बाद इतना भयंकर यह हादसा था कि जो मालगाड़ी आई थी, एक डिब्बा कंचनजंगा एक्सप्रेसवे का मालगाड़ी पर आ गया। और देखिए, सबसे बड़ी बात कि अब अपडेटेड आंकड़ा इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, 8 लोगों की मौत बताई जा रही है और 30 लोग हैं लगभग जो कि इस वक्त घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये आपको इन तस्वीरों के जरिए हम दिखाई रहे हैं कि वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा कि वो इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। डीएम, इसके अलावा डॉक्टर्स को भी वहाँ पर तैनात करने के लिए कहा गया। तो ये लगातार आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। भयंकर हादसा यहाँ पर हुआ, 2 ट्रेन टकराई और एक बार फिर से लापरवाही की खबरें भी सामने आ रही है। इस वक्त सीधे हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें आपको नजर आएगा कि 3 जो डब्बे हैं वो डिरेल हुए। और सबसे बड़ी बात कि पहले आगे थी कंचनजंगा एक्सप्रेस, कंचनजंगा एक्सप्रेस पे आगे थी, पीछे से आई मालगाड़ी और जैसे ही भयंकर टक्कर होती है तो मालगाड़ी पीछे थी और जो कंचनजंगा एक्सप्रेस वे थी उसका एक डिब्बा मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। देखिए, आपको तस्वीरों के जरिए लगातार हम दिखा भी दे रहे हैं, लगातार इस पूरे मामले पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और घटनास्थल पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में इस वक्त लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। डीएम, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, डॉक्टर्स की टीम वहां पर तैनात है, लेकिन बड़ी संख्या में वहां पर आप देख सकते हैं कि स्थानीय लोग इस वक्त वहां पर पहुंचे। इस बीच अगली खबर का रुख कर लेते हैं। एनएफआर जोन के सीपीआरओ सब्यसाची डे रेल हादसे में 8 लोगों की यहां पर आपको जानकारी दे दें, रेल हादसे में 8 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। एनएफआर जोन के सीपीआरओ का ये बड़ा बयान सामने आ रहा है, 8 लोगों की मौत की खबर है, एक बड़ा दावा यहां पर किया जा रहा है। एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है, तो अपडेट क्या है? देखिए, अभी जो हमारा